हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 12 जून 2019 और यह हमारी 173वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखनी है। दोस्तों अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है शरद कुमार। हाल ही में शरद कुमार को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये हरियाणा कैडर के 1979 यानी 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ये इससे पूर्व एनआईए के अध्यक्ष रह चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, तो इसे हम सीवीसी के नाम से जानते हैं। दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो निर्माण किया गया था या गठन किया गया था वह भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए किया गया था और इसे 1964 यानी 1969 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो इतना आपको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नाम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? जिसका सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों जगनमोहन रेड्डी हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं और इन्होंने अपनी कैबिनेट में 5 उप मुख्यमंत्रियों को शामिल करने का निर्णय लिया है। दोस्तों आपको बता दें ये 5 उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए गए हैं, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है ये सभी समुदाय से प्रतिनिधित्व करने वाले ये 5 उप मुख्यमंत्री होंगे। एक एक समुदाय से एक एक मुख्यमंत्री लिया गया है। यह 5 उप मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और कपू समुदाय के होंगे। दोस्तों अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आपको मैप में आंध्र प्रदेश के बारे में बता दें। मैप में ये जगह आंध्र प्रदेश को दर्शाती है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में की गई थी। गवर्नर है ESL नरसिम्हा और दोस्तों मुख्यमंत्री यहाँ पर नए मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं, उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। तो इतना आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अगले 5 वर्षों तक मालदीव के कितने नौकरशाहों को प्रशिक्षण देगा? जिसका सही ऑप्शन है 1000। भारत अगले 5 सालों में मालदीव के 1000 नौकरशाहों को प्रशिक्षण देगा। दोस्तों भारत के प्रमुख सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने मालदीव सिविल सेवा आयोग के साथ समझौता किया है और यह समझौता हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मालदीव यात्रा पर किया गया है। एक और दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, हाल ही में मालदीव ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहां के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। दोस्तों अब बात आई है मालदीव की, तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें। मैप में ये जगह मालदीव को दर्शाती है। मालदीव की राजधानी है माले, राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलह, मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया। तो इतना आपको मालदीव के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? जिसका सही ऑप्शन है चौखंडी स्तूप। हाल ही में चौखंडी स्तूप को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। दोस्तों आपको बता दें चौखंडी स्तूप उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। दोस्तों इस स्तूप का निर्माण 5वीं सदी में किया गया था, तो आपको ये याद रखना है इसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेता का निधन हुआ है? इसका सही ऑप्शन है गिरीश कर्नाड। हाल ही में गिरीश कर्नाड का निधन हुआ है। दोस्तों आपको इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें।
इनकी उम्र 81 वर्ष थी और ये हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम कर चुके हैं। दोस्तों ये एक नाटककार भी थे जिन्होंने तुगलक और हयावदन जैसे नाटक की रचना भी की है। इन्हें 1998 यानी 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो इनके बारे में आपको इतना याद रखना है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, 1992 यानी 1992 में यदि इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। इनका नाम है गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी का सीईओ बनाया गया है? जिसका सही ऑप्शन है दीपक सहन। हाल ही में दीपक सहन को मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी का सीईओ बनाया गया है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे, इनके बारे में भी बता दें तो संजय कुमार को इन्हें हाल ही में उप सचिव बनाया गया है शासन में। नीरज कुमार सह को इन्हें वित्त उप सचिव बनाया गया है और नंद कुमारम को इन्हें एमडी बनाया गया है एएसडीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे रायसेन जिले का कलेक्टर बनाया गया है? इसका सही ऑप्शन है उमा शंकर भार्गव। हाल ही में उमा शंकर भार्गव को रायसेन जिले का कलेक्टर बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें आनंद कुमार शर्मा इन्हें कमिश्नर बनाया गया है सागर संभाग का। अशोक शाह इन्हें पीएस बनाया गया है श्रम विभाग से और शोभित जैन को इन्हें सचिव बनाया गया है एचआरसी में। तो आपको इन चारों के बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को कब घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं गया जहां पर ये पूछा ना जा सका हो। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। अब दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आजादी के बाद यानी 1947 या 1947 के बाद और 1956 के पहले मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही ऑप्शन है नागपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी पहले नागपुर थी और 1 नवंबर 1956 को भोपाल के रूप में मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई। और दोस्तों आपको पता है मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तो इतना आपको इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों नर्मदा नदी। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों नर्मदा नदी पर कुछ और जलप्रपात स्थित हैं, उनके बारे में भी आपको बता दें। धुआंधार जलप्रपात जो भेड़ाघाट जबलपुर में है यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है। दुग्धधारा जलप्रपात यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है और यह जलप्रपात अनूपपुर जिले में स्थित है। मंदारा जलप्रपात यह भी नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात यह अमरकंटक में नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों इसके अलावा दर्दी जलप्रपात यह भी खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये सभी जलप्रपात आपको याद रखने हैं, ये सभी नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निमाड़ अंचल का चर्चित नृत्य है? जिसका सही ऑप्शन है ये चारों, काठी नृत्य, फेफरिया नृत्य, मांडाल्या नृत्य और डांडा नृत्य। ये निमाड़ अंचल के चर्चित नृत्य हैं। दोस्तों आपको बता दें ये चारों नृत्य विशेषकर विवाह के अवसर पर नृत्य किए जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एकेडमी की स्थापना भोपाल में की गई है? तो इसका सही ऑप्शन ये चारों हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना भोपाल में 1969 यानी 1969 में की गई थी। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी की स्थापना भोपाल में 1985 में की गई यानी 1985 में। मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी की स्थापना भोपाल में 1987 यानी 1987 में की गई और मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना भोपाल में
1976 यानी 1976 में की गई है भोपाल में। तो इन चारों अकेडमियों के बारे में आपको इतना जरूर याद रखना है, ये चारों अकेडमी भोपाल में स्थित है। निम्न में से कौन सी गुफाएं ग्वालियर जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है बिलावा की गुफाएं। बिलावा की गुफाएं ग्वालियर जिले में स्थित है। दोस्तों ये जो गुफाएं और हैं इनके बारे में भी आपको बता दें तो मृगेंद्र नाथ गुफाएं दोस्तों ये रायसेन जिले में स्थित है। बिलावा की गुफाएं ग्वालियर जिले में स्थित है। शंकराचार्य की गुफाएं दोस्तों ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित हैं। और दोस्तों मारा की गुफाएं सिंगरौली जिले में स्थित हैं। तो ये इन चारों गुफाओं के बारे में आपको इतना जरूर याद रखना है। और ग्वालियर जिले में स्थित है बिलावा की गुफाएं। दोस्तों बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था सागर संभाग का कमिश्नर कैसे बनाया गया है? तो दोस्तों आनंद कुमार शर्मा को सागर संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कितने शहरों को मोहल्ला क्लिनिक शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों हम आपके आंसर का वेट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। और दोस्तों आपको बता दें पर्यावरण को देखते हुए आप कम से कम हफ्ते में 2 पेड़ अवश्य लगाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।